भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। आसानंदपुर चौक के पास स्थित बीटू मॉल के बेसमेंट में चल रहे इस सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने मॉल के संचालक दिलीप कुमार सिंह समेत दो अन्य पुरुष और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने मॉल संचालक के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट बरामद की, जिसमें लड़कियों के फोटो और उनकी कीमतों की जानकारी थी। इसके अलावा मॉल के बेसमेंट से कॉन्डोम, टैबलेट और कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। शुक्रवार को सिटी SP डॉक्टर के राम दास ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सिटी SP ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में दिलीप कुमार सिंह के अलावा अमर कुमार दास और राहुल कुमार शाह शामिल है। वहीं पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि यह लोग पैसा लेकर देह व्यापार में लिप्त थे। वहीं गिरफ्तार लोगों के खिलाफ तातारपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 25/9/24 को तातारपुर थाना अध्यक्ष को एक सूचना मिली थी। उसमें आशानंदपुर चौक के पास एक स्थित V2 मॉल उसके बेसमेंट में कुछ लड़का लड़कियों के द्वारा अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना प्राप्त करके पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्षक तातारपुर इस सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सत्र बल के साथ V2 मॉल के बेसमेंट को चकमारी किया गया है। ये चकमारी के दौरान V2 मॉल के बेसमेंट में कमरा नंबर 1 एवं कैबिन 3 इसमें दो युवक दो युवती युवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। सो पूछताछ के क्रम में यह अनैतिक देह व्यापार में उनको शामिल है। इसी क्रम में इन चारों को गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ क्रम में इसी माल का ओनर उनका नाम दिलीप कुमार सिंह उन्होंने भी इस देह व्यापार में शामिल है। कुल मिलाकर 5 संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार हुआ है। इसमें इस व्यापार में यूज किया गया है मोबाइल 5 बरामद हुआ है। इसके अलावा टैबलेट और कॉन्डम भी इसमें बरामद हुआ है। बिहार के भागलपुर जिले में पुल गिरने की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना पीरपैंती प्रखंड में हुई, जहां गंगा नदी के तेज बहाव को झेलने में असमर्थ एक पुलिया ध्वस्त हो गई, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित हो गई है। इस हादसे में कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिसमें बाखरपुर और बाबूपुर पंचायत शामिल है। बता दें कि पुल का निर्माण 2 साल पहले PWD द्वारा किया गया था, लेकिन यह गंगा के घटते जलस्तर को भी नहीं सह सका और जलमग्न हो गया। वहीं पुल के गिरने से 5 पंचायतों का संपर्क पीरपैती से पूरी तरह से कट गया है। हालांकि सौभाग्य से इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जुट गए, लेकिन अब तक जिला प्रशासन या स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ध्वस्त पुल से गुजर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। दरअसल यह घटना बिहार में निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। इससे पहले 17 अगस्त को सुल्तानगंज अगवानी पुल का एक हिस्सा तीसरी बार गंगा नदी में समा गया था। ये जो घटना हुई है ये पीछे कितना बजे हुआ है? ये रात 10 बजे हुआ है। रात के 10 बजे ये जो मार्ग है ये कौन सा मार्ग है, किन किन स्थानों को जोड़ता है? जो मार्ग है ये जो सड़क है किसको किसको जोड़ता है? मोहनपुर हुआ, रामनगर खनिया हुआ, उधर बरबरिया पुल की पैदी वाला वो भी टूट गया है जी। बाखरपुर से जाने वाला पुल वो भी खतरे पे है जी। चौखंडी में जी जी भी पुल कभी भी गिर सकता है। दूसरा यही एक रूट था ये भी पुल। अच्छा इधर जो है किन किन स्थानों को जोड़ता था? यही मेन रूटे था निकलने के लिए, आने जाने का, आने जाने का यही रूटे था। एक यही रोड बचा था, झारखंड से जोड़ रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव में पुल बीच से बैठ गया है और बैठने के बाद आवागमन ठप हो गया है और अभी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। कोई नहीं आएगा, सरकारी नाव चलेगी, यहाँ से चल ही रही है, यहाँ से आएगा जाएगा। सर लोग क्या कहना चाहेंगे? अब लोगों से यही अपील है कि न आवे और न जाए, अपने जान को जोखिम में न डालें।
अच्छा, आप कोई चौकीदार वगैरह की यहाँ दो स्थापना कर दी है, दो इस पर दो उस पर, ताकि लोग ना जाए, लोगों से अनुरोध है कि लोग सहयोग करें। भागलपुर समाहरणालय परिसर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कचरा से कला प्रदर्शनी का उद्घाटन शुक्रवार को जिलाधिकारी ने फीता काट कर किया। दरअसल इस अनोखी प्रदर्शनी में स्थानीय कलाकारों और कर्मियों द्वारा कचरे से बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। इनमें महात्मा गांधी की तस्वीर, पेन स्टैंड, डलिया, कचरा उठाने वाले ट्रॉली, कचरा फेंकती महिला का मूर्ति, गाय का बछड़ा, गरुड़, जैविक खाद और छिड़काव करते किसान की मूर्ति जैसी अनोखी कृतियां शामिल थी। बता दें कि यह प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक समाहरणालय परिसर में लगी रहेगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए उप विकास आयुक्त और उनकी टीम की प्रशंसा की। इस अवसर पर DRDA निदेशक दुर्गा शंकर, वरीय लेखा पदाधिकारी और लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक निशांत रंजन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत आप देख रहे हैं DRDA के द्वारा यहाँ पे कचरा से कला प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें कि कचरा से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ, जूट के बोरा से कपड़े का, साथ ही जो प्लास्टिक से किस तरीके से बॉटल बनाया गया है और भी कई मटेरियल बनाया गया है। तो मैं सब DRDA के समस्त पदाधिकारियों को, खास करके दिल्ली साहब को, डायरेक्टर को और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा ये कहना है कि हम कचरा को कचरा के रूप में नहीं लें, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्रिएटिव रूप से हम उसको फिर से दोबारा काम में ला सकते हैं। कचरा के बारे में खास करके मैं ये कहूँगा, कचरा हम ही लोग पैदा करते हैं, कचरा कभी आसमान से तो आता नहीं, तो हम लोग उसको क्रिएटिव रूप में यूज करके उसको, उस कचरे से हम लोग बेहतर प्रोडक्ट बनाएँ और उसको घर में पुनः हम प्रयोग करें, उसको बाहर नहीं करें जो हमारा वातावरण के लिए हानिकारक है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर शुक्रवार को रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल सेंटर का उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने फीता काट कर किया। दरअसल इस केंद्र का उद्देश्य घरों में अनुपयोगी वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाना और जरूरतमंदों के बीच वितरित करना है। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत यह पहल की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बनाना है। RRR सेंटर के माध्यम से शहरवासी पुराने कपड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं और अन्य उपयोगी सामान यहां जमा कर सकते हैं, जिन्हें जीविका दीदियों द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जाएगा और फिर जरूरतमंदों में वितरित किया जाएगा। वहीं नगरायुक्त डॉक्टर प्रीति ने भी शहरवासियों से अपील की कि वे अपने घरों में पड़ी ऐसी वस्तुएं इस केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि उनका सही इस्तेमाल हो सके। उद्घाटन के मौके पर महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, वार्ड पार्षद पंकज गुप्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। रीयूज और रिसाइकल, तो जिन लोगों के वो काम की वस्तुएं आज नहीं रही हैं, तो वो अपना उसको रिड्यूस करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आवश्यकमंद जो लोग हैं वो यहाँ से लेंगे, तो वो उसको रीयूज कर सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद यूज़ में फ़िलहाल उस फॉर्म में ना आ सकें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रिसाइकल करके ऐसे फॉर्म में परिवर्तित करके कर पाएँ। और आगे भी इस प्रोजेक्ट पे हमारा ध्यान रहेगा कि कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है कि वो पुराने कपड़े से कुछ नया मटेरियल डेवलप करते हैं, तो अगर हम उसको बड़े पैमाने पर कर सकें तो हमारी आगे की पहल रहेगी। और ये एक छोटी सी शुरुआत है जिसमें नगर निगम के सभी लोग शामिल हुए हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भागलपुर के बृद्धेश्वरनाथ मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें पैनल अधिवक्ता अवधेश कुमार सिन्हा और पारा लीगल वॉलंटियर प्रदीप कुमार शिवानीवाला ने पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना था। 2024 की थीम टूरिज्म एंड पीस
पर्यटन और शांति पर आधारित है, जो दुनिया भर में शांति बनाए रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देती है। बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है, ताकि पर्यटन के महत्व को समझा जा सके और इसे बढ़ावा दिया जा सके। शुक्रवार को भागलपुर समाहरणालय के समीप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ज्वलंत मांगों के समाधान के लिए समाहरणालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के MLC और राष्ट्रीय परिषद सदस्य कॉमरेड संजय कुमार और राज्य कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड सुधीर शर्मा ने किया। प्रदर्शनकारियों ने भूमि सर्वे में हो रही धांधली को दूर करने, बसे हुए लोगों का नाम खतियान में दर्ज करने, बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री करने, कटाव पीड़ितों को पुनर्वास और भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन प्रधानमंत्री अभियान के तहत दिए जाने की मांग की है। CPI कार्यकर्ताओं ने इन मुद्दे को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया और जनता की समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम लोग अभी जो तीसरी बार भागलपुर जिला में बाढ़ आई, कहीं भी समुचित ढंग से बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो लोग गांव में अभी भी फंसे हुए हैं, उनके लिए सामूहिक किचन की जरूरत नहीं, सूखा राशन की जरूरत है, उनको अभी तक सूखा राशन नहीं मिला है। लोग गांव में भी फंसे हुए हैं और जो लोग बाहर आए उनके लिए जहां तहां राशन की व्यवस्था की है, सबके लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। बाढ़ पीड़ितों को सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला है, गाँव कटाव हो रहा है और सरकार और प्रशासन अभी तक सोई हुई है। कटाव के रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसके अलावे अभी जो बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण के नाम पर जनता को परेशान कर रही है, हमारा मांग है कि भूमि सर्वेक्षण को रोका जाए।